हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविता वर्मा। और आज हम बनाने जा रहे हैं बूरा जन्माष्टमी स्पेशल। तो देखिए फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं पूरा बनाना। ये हमने बूरा ली है 2.5 किलो, जो हमने छान ली है। ये 3 गोले जो है हमने कद्दूकस कर लिए हैं। बेसन 1 कटोरी जो हमने भून लिया है। ये हमने 1.5 कटोरी काजू और बादाम को जो है हमने बारीक पीस लिया है। किशमिश 1/2 कटोरी, गोंद 1/2 कटोरी, खरबूजे की गिरी 1 कटोरी, मखाने 50 ग्राम ने कढ़ाई ली है। उसमें जो है हमने 1/2 किलो घी डाल दिया है और अपने घी को गर्म कर लिया है। जो हम गोंद को भूनेंगे, जो है फ्राई करना शुरू कर दिया। ये देखिए, ये मेरे पास 1/2 कटोरी गोंद है और हमने इसको भून लिए हैं सारे गोंद को। कटोरी गोंद लिया था और हमने उसको जो है सारे गोंद को फ्राई कर लिया है। ये देखिए, हम जो है मखाने को फ्राई करेंगे। वो फ्राई कर रहे हैं हम। 50 ग्राम मखाने हैं जो हम मखानों को फ्राई कर लेंगे। हमने इनको जो है मखाने को जो है हल्का ही फ्राई किया है, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं किया है। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमें इनको, मखाने को हल्का फ्राई ही करना है। हम सारे मखाने को जो है फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है मखानों को जो है फ्राई कर लिया है और हमने जो है मखानों को डीप फ्राई नहीं किया है।
और आप जो है इस तरह से मखानों को तोड़ के देख लीजिएगा। अगर मखाने इस तरह से टूट रहे हैं तो ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हुए हैं और बहुत अच्छे से जो है मखाने जो हैं फ्राई हो चुके हैं। और ऐसे ही आपको तोड़ के देखना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है मखानों को। ये देखिए इतना ही फ्राई करना जिससे कि वो अच्छे से टूट जाएँ और कुरकुरे हो जाएँ। खरबूजे के बीज को डाल लिया, एक कटोरी खरबूजे के बीज हैं और इसको हम ज़्यादा नहीं फ्राई करते हैं। और हमने खरबूजे के बीज को फ्राई कर लिया है, उसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे। जो है हल्का फ्राई कर लिया है, ये देखिए बादाम और काजू का जो हमने पाउडर बनाया था इसको भी जो है हल्का सा घी में फ्राई कर लेंगे। और जो गोला का सा तीन गोले लिए मैंने नारियल के कद्दूकस किए हैं गोले, उसको भी हम जो है इसमें हल्का सा फ्राई कर लेंगे। एक कटोरी बेसन बीच में मिक्स कर लेंगे। आधा कटोरी किशमिश वो भी ऐड कर देंगे और इन सबको जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने जो है बूरा ले लिया है 2.5 किलो और इसमें हमने जो मिक्सर अभी कढ़ाई में मिक्स किया है वो सब कुछ डाल देंगे इसमें। मिक्सर को जो है सारे बूरा में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब गोंद को जो है कटोरी से अच्छे से भून लेंगे ताकि ये हमारे बुरा खाने को उसमें जो है दांतों के बीच में ना चिपके, इसलिए हम जो है गोंद को अच्छे से पीस लेंगे। जो है एक कटोरी घी गरम कर लेंगे। ये हमने पूरा एक कटोरी घी डाल दिया है और इसको अच्छे से गरम कर लेंगे। इसमें जो है मिक्स कर देंगे। हमने जो घी को जो है अच्छे से गरम कर लिया है और गरम करने के बाद ही हम घी को जो है इसमें मिक्स कर रहे हैं। हम इसको जो है अच्छे से मिक्स कर देंगे। भुना हुआ गोंद जो हमने बारीक पीस लिया है उसको भी इसमें हम मिक्स कर देंगे।
और खरबूजे के बीज भी, खरबूजे के बीज भी इसमें हम ऐड कर देंगे, और ये भुना हुआ गोंद भी इसमें डाल देंगे। जो है भुना हुआ गोंद और खरबूजे का बीज भी जो है इसमें मिक्स कर दिए हैं। आधा कटोरी गोंद था और एक कटोरी खरबूजे की बीरी थी। हमने इसको जो है अच्छे से पूरा मिक्स कर लिया है इन सब सामान को। इसमें जो है मखाने ऐड कर देंगे। ये 100 ग्राम मखाने हैं जो हमने जो है अच्छे से फ्राई कर लिए थे। ये देखिए हम इसको 100 ग्राम मखाने जो है वो भी पूरा मिक्स कर देंगे। आप मखाने अपनी मर्जी से भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपके टेस्ट पे डिपेंड करते हैं कि आप कितने मखाने अच्छे पसंद करते हैं या नहीं। हमने जो है इक्वल क्वालिटी में डाले हैं। इसको भी जो है हम बूरा में जो है अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको जो है हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और जो बचा हुआ घी था हमारा थोड़ी से वो भी हम इसमें डाल देंगे। सारा घी जो है कटोरी वो पूरा हम इसमें ऐड कर देंगे पूरा में। हमने इसमें से आधा कटोरी घी पहले डाला था और आधा कटोरी घी हम डाल रहे हैं। करीब इसमें जो है हमने एक कटोरी घी डाल दिया है और आधा किलो घी हमने पहले लिया था। बस इस सामान को जो है अच्छे से मिक्स करना है बूरा के साथ में, ताकि ये सामान जो है बूरा में अच्छे से मिक्स हो जाए और बूरा खाने में काफ़ी टेस्टी हो जाए। हमारी जो बूरा है वो बनके बिल्कुल तैयार हो गई है, ये देखिए फ्रेंड्स। और हमारी जो बूरा है वो बनने के बाद कुछ ऐसी लग रही है, ये देखिए। तो हमने जो है जन्माष्टमी स्पेशल पूरा बनाई है आज। तो आप भी फ्रेंड्स इस पूरा को ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अगर आप कोई चैनल की रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।